तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है TVS की स्पोर्ट जो कि 110 सीसी इंजन के साथ आती है। यहाँ पर इस बाइक की अगर इस कलर वेरिएंट की बात करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस बाइक का जो लुक है वो अदर 110 सीसी की बाइकों से काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसको आप किसी भी प्लैटिना या फिर हीरो की किसी ऐसे डिलक्स या हीरो स्प्लेंडर प्लस से आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लुक है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। साथ में आपको पता है कि TVS अपने एक माइलेज चैम्पियन के नाम से जानी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है हर एक लीटर पर मैक्सिमम माइलेज निकालने की काबिलियत इस बाइक के इंजन में रखी जाती है। आपको पता ही होगा कि ये बाइक की जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड हुआ करते हैं। यहाँ पर जो आवाज़ की क्वालिटी है वो काफ़ी कम होती है, नॉइस कम होती है इंजन में और आपको रिफाइनमेंट ज़्यादा मिल जाती है। 110 सीसी के इंजन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका इंजन जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से इस बाइक का जो वेट है वो थोड़ा सा अदर 110 सीसी की बाइकों से हायर साइड में चला जाता है। साथ में अगर आप इस बाइक के इस तरह के एस्थेटिक्स को देखें तो काफ़ी आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। साइलेंसर पर जो इसकी स्कफ प्लेट है वो भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगी। इस बाइक में आपको सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। किक स्टार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि क्रोम फिनिश में, और साथ में आपको यहाँ पर सेल्फ की स्विच भी देखने को मिल जाती है। इस बाइक में जो स्विचेस की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ तो की आपको वही नॉर्मल सी मिल जाती है, वेव की तरह नहीं। ये आप उसे बाहर अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो जाए, चाबी खो जाए, गिर जाए तो आप उसे बनवा भी ना पाए। तो ये वाली चाबियाँ मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। अगर मैं इस बाइक के की मैं थर्ड को आपको सुनाऊँ तो ऐसा थर्ड मुझे अभी तक किसी और बाइक की मतलब कंपनी में नहीं नज़र आया जहां पर आपको ऐसी क्वालिटी का थर्ड देखने को मिलता है। इससे ये साबित होता है कि इस बाइक का जो स्विच है यानी की है वो काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबे क्वांटिटी में चल जाएगा और आपको कोई भी ऐसी खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल्ली एनालॉग में आता है। जहाँ पर आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में मिल जाएगा जो कि 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड को दिखाता है लेकिन जाती तो ये 100 प्लस है। और साथ में यहाँ पर आपको फ्यूल लेवल भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक पावर लेवल भी दिख जाता है जो कि एक लिमिटेड आरपीएम के अंदर रहने पर ये ऑन नहीं होगा, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। बाकी चेक इंजन लाइट यहाँ पर है, न्यूट्रल मिल जाएगी, हेडलाइट मिल जाएगा और इंडिकेटर की जो लाइटिंग है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चार्जिंग बोर्ड अभी तक फिलहाल इस बाइक में नहीं आया जो कि उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो कुछ नए अपडेट आ जाएंगे वहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको फ्रंट में भी ड्रम मिल जाता है, रियर में भी ड्रम मिल जाता है। यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के जो है ये वायर देखने को मिल जाएंगे जो कि डबल है। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता भी है या फिर नहीं। इसमें ये जो दो वायर हैं ये ब्रेकिंग के लिए हैं और ये जो है ये तो स्पीडोमीटर का वायर है जो कि आपको एक गिर्री लगी हो रही है जिसकी वजह से आपको एक स्पीडोमीटर दिखता रहता है कि कितने की स्पीड में आपकी बाइक चल रही है। बाकी आपको यहाँ पर जो सिंगल हॉर्न का सेटअप मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं सफिशेंट नॉइस कर देता है लोगों को हटाने के लिए, तो उतना आप जान सकते हैं। बाकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट आपको हैलोजन की मिल जाएगी, यहाँ पर LED का इस्तेमाल नहीं किया गया और जो उसके इंडिकेटर हैं वो भी आपको हैलोजन के ही देखने को मिल जाते हैं। आइए चलते हैं इसमें पीछे की ओर जहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि जो इसका टेल लाइट है वो आपको हैलोजन के देखने को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर LED का जो काम है अभी फ़िलहाल नहीं किया गया है और इसकी वजह भी है कि आपको जो है कम से कम बजट में आपके पास ऐसी 110 सीसी की खूबसूरत बाइक आपको प्रोवाइड करवा दीजिए। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो आपको ETFI की बैजिंग मिल जाएगी जो ऑब्वियसली स्टिकर पर है, लेकिन यहाँ पर जो TVS की बैजिंग है वो आपको 3D में देखने को मिल जाती है जिसमें क्रोम और ब्लैक फिनिश के साथ आता है जबकि अदर बाइक कंपनियों में केवल क्रोम का ही फिनिश दे देते हैं। तो ये क्वालिटी को बताता है कि हाँ यहाँ पर TVS क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा है। साथ में कई कंपनियों में इस बोल्ट को ढकने के लिए जगह पर कुछ सही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक का पीस लगाया गया ताकि इसे थोड़ा सा एक अच्छा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करवाया जा सके। बाकी टायर की प्रोफाइल बहुत ही बेसिक से है, सस्पेंशन बहुत ही बेसिक से हैं चाहे वो आगे के हों चाहे वो पीछे के हों। हाँ यहाँ पर जो चैन कवर है पहले वो स्टील के आया करते थे, लोहे के आया करते थे, लेकिन अब ये प्लास्टिक के आते हैं जो कि थोड़े ज़्यादा रिलायबल है मेरी नज़र में क्योंकि ये जल्दी जंग नहीं खाएंगे। जाहिर सी बात है प्लास्टिक की चीज़ें जल्दी जंग खाती नहीं है, कभी नहीं खाती हैं, तो ये रिलायबल भी कहीं ज़्यादा है। और साथ में जो चैन की नॉइज़ आती थी जब आप ग्रीसिंग नहीं करते हो तो चैन की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, तो ये काफ़ी हद तक प्लास्टिक के पार्ट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना, भाई वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में,
तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।